हेलो डियर स्टूडेंट, आज असीं प्लस वन जमात दी कथा संगम पुस्तक विच दर्ज कहानी गोई जो कि प्रेम प्रकाश जी की शाहकार रचना है बारे जानकारी हासिल करांगे। बेटा सब तो पहले मैं तुहानू इस कहानी विच आए पात्रा संबंधी जानकारी देवांगी अते फिर इस कहानी का सार डिस्कस करन उपरंत असीं पेज नंबर 18 की रीडिंग करांगे। ओके बेटा, इस कहानी विच जो पात्र आए हैं मुख पात्र बगतावर है, नाल ही उसके बापू ते बेबे का जिक्र आया है पर उन्हां दा नाम नहीं दस्या गया। बापू जो कि रिटायर सिपाही सी अते किसानी भी करता सी, खेतीबाड़ी का काम भी करता सी। बलविंदर जो कि बगतावर की पत्नी है, जंग बहादुर सिंह बगतावर का पुत्र है अते उसनू घर विच जंगी कह के भी बुलाया जाता है। अगले पात्र बेटा मेजर आर एस अरोड़ा जो कि बलविंदर दे पिता जी हैं ते मिसिज अरोड़ा जो कि उसके माता जी हैं। एक सहायक पात्र है बिमला जो कि उन्हां दी नौकरानी है। हुण इस तरह बेटा इस कहानी विच लेखक ने एक पासे शहरी मध वर्ग दे दिखावे वाली जिंदगी अते दूजे पासे पेंडू जीवन की सीधी साधी जिंदगी दे अंतर विरोधां विचों पैदा होए तनाव नूं साडे सामने पेश कीता है। ठीक है, हुण इस कहानी का नाम है गोई। तो सब तो पहले सानू यह पता होना चाहिए कि गोई शब्द की हुंदा है। गोई एक पतले जे कड़ाह नूं कहा जाता है जो कि गुड़ जां शक्कर का बनिया हुंदा है। ठीक है, इस कहानी का मुख पात्र बेटा बगतावर है जो कि फौज में सीनियर कैप्टन है तो मेजर बनने वाला है। उसकी पत्नी का नाम बलविंदर कौर और पुत्र का नाम जंग बहादुर उर्फ जंगी है। वह पिंड भुलर माजरा का रहन वाला सी। कहानी के आधार पर यह बड़ी ही इतफाक वाली गल सी कि जिस दिन जंगी का जन्मदिन हुंदा सी उस दिन ही बगतावर दे बेबे की बरसी भी हुंदी सी। पर हर साल बेबे की बरसी मनाउण की बजाए वह अपने पुत्र जंग बहादुर का जन्मदिन मनाउंदे सन। ठीक है, सो इस तरह ही लेखक भाव के बगतावर 100 मील का रस्ता तय करके जो अपनी डिफेंस कॉलोनी में पहुँचता है तो वेखता है कि उसकी पत्नी बड़े ही धूमधाम बड़े जोर शोर के नाल अपने पुत्र जंगी के जन्मदिन दियां तैयारियां कर रही सी। पर बगतावर थकिया होने कारण कमरे में जाके अंग पसार के पै जाता है। जदों सूरज की पहली किरण पैंदी है तो उसकी नज़र गैरेज विच अपने बीमार पे बुढ़े प्यो उपर जाती है। उस समय उसनू याद आता है कि जदों उसकी बेबे की मौत हुई सी तां वह अपने बापू नू अपने घर विच लै आया सी क्योंकि बापू की शरीरक हालत थोड़ी खराब रहनी शुरू हो गई सी। पर बापू के घर विच आउंदिआं ही उन्हां दे घर विच एक तनाव जिहा पैदा हो गया सी क्योंकि वह किराए की कोठी विच रहिंदे सन ते जदों भी बगतावर दा बापू बाहरों किते आउंदा जां फर्श दे उपरों दी लंघदा तां उसकी पत्नी बलविंदर अपनी नौकरानी बिमला नूं कह के फर्श ते सफाई करवा दिंदी सी, पोचा लगवा दिंदी सी। ते इसे कारण ही कदे कदाई दोवां पति पत्नी विचकार लड़ाई झगड़ा भी हो जांदा सी। ते इसे झगड़े दे कारण ही जदों बलविंदर दे पेके वालियां ने उस दे उपर रोब पाया तां उस समय बगतावर नूं अपनी गलती दा अहसास हुंदा है कि उस मामूली जट दे पुत ने इन्ने वड्डे खानदान की कुड़ी का रिश्ता क्यों स्वीकार किया सी। ठीक है, तो ना ही इतों तक कि जो बगतावर ते बलविंदर का विआह भी किया गया सी उस समय भी बगतावर दे बापू की गरीबी नंगी की गई सी मेजर आर एस अरोड़ा वालों क्योंकि जिथे कित भी मेज बगतावर दे बापू का लैना देना बनता सी उत्थे ही मेजर आर एस अरोड़ा अपना बटुआ खोल के बैठ जाते सन। तो उन्होंने हमेशा ही बगतावर नूं अपने धी दे रोह हेठा रखने लई उसका समान भी घर भी समान दे नाल भर दिता सी ते नाल ही अपने दोहते दे जन्मदिन ते एक प्लाट भी लैके दिता सी जिते हुण उन्हां दा घर बनिया होया सी। उस कोठी विच कलीन फर्नीचर रसोई का सारा समान सब कुछ बलविंदर दे माँ बाप ने दिता सी। ते इस तरह ही जदों बलविंदर अपनी मर्जी का घर बनवाउण लई पुराना घर ढुहा दिंदी है तो उस समय
बखतावर के बापू नूं पता लगता है कि यह प्लाट उसकी नूँह के नाम है। तो इस कारण ही जो उस घर रहना शुरू करता है तो अपनी नूँह की रोक टोक तो बचने लिए पिंड तो जिहड़ा घर सी कोठा पुराना उधेड़ के लै आता गड्ढा भर के ते अपनी वक्री छन बार बना लैंदा है। नाल ही एक झोटी भी लै आता है, नलका कट लैंदा है ता जो अपनी नूँह की दखलअंदाजी तो मुक्त रह सके। फिर इस तो बाद जदों भी बापू बाहर लोगों के नाल कोई सांसी बाजीगर आ जाता, कोई मंगता आ जाता, उन्होंने नाल हसदा खेडता, उन्होंने नाल गल्लां बातां करता, तो यह गल्लां बलविंदर नूं चंगियां नहीं लगदियां सन। बलविंदर नूं सिर्फ एक गल बापू की चंगी लगती सी, जदों शाम वेले बापू बलविंदर नूं पूरे माण नाल हाक मार के दुध वाली बाल्टी फड़ाउंदा सी। इस तरह ही इतों तक कि उसनों बलविंदर नूं बापू द्वारा अपने पुत्र जंगी नूं खेडना चुमना भी चंगा नहीं लगता सी। सो एक दिन बलविंदर बखतावर दे खेड़े पै जाती है कि वह अपनी पिंड वाली जमीन वेच देन ते इस पलाड़ दे उपर जो मकान बनया उसनों ढा के नवी कोठी उसारी जाए। पर बापू अपनी जमीन ते पिंड नालों नाता नहीं तोड़ना चाहता सी, इस करके उन्होंने घर विच कई दिन तनाजा पैदा होया रहिंदा है, घर विच उदासी छाई रहिंदी है। पर अंत विच बापू फिस जाता है क्योंकि उस कोलों अपने पुत्र की उदासी वेखी नहीं जाती, इसलिए चुपचाप अपनी पिंड वाली जमीन वेच के पैसे पल्ले पवा के नवी कोठी बनाने लई शहर लै आता है। फिर इस तो बाद जो बापू की छन बनाई गई सी बाहर वह भी ढह जाती है, झोटी भी वेक जाती है, तो हुण बापू लई यह मुश्किल खड़ी हो जाती कि वह कित्थे बैठे कित्थे रहे जिथे कि उसकी नूँह बलविंदर का दखल ना हो। फिर जो कोठी तैयार हो जाती है, बेशक कोठी में सारे कमरे सन पर बापू का दिल नहीं सी करता कि वह उत्थे रहे, इसलिए वह गैरेज में रहना शुरू कर देता है। गैरेज में रहना इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि उत्थे बखतावर के कोल खड़ी करन लई अजे कार नहीं सी। दूजे पासे बलविंदर जो वह दिल की माड़ी नहीं सी, वह भी चाहती सी कि बापू उसके दादे वांग सारे परिवार नाल इकमिक हो के रहे, राजनीति नाल संबंधी गल्लां करे। ठीक है, तो इस तरह दिन गुजरते जा रहे सन। तो अज जदों उन्हां दे पुत्तर जंग बहादुर उर्फ जंगी का जन्मदिन सी तां घर विच बेशक वन सवन्ने खाण पीण लई पकवान बने हुए सन, पर फिर भी बापू ने घर विच सारियां बनियां जो डिशां सी उन्हां नूं छड्ड के एक गोई खाण दे लई फरमाइश कीती सी। हुण इधर एक पासे बखतावर अपने पिता नूं खुश करन लई गोई बनाउण विच व्यस्त सी, ते दूजे पासे बलविंदर अपने पेकियां वल्लों जो रिश्तेदार आए सन उन्हां नाल गप्पां मार रहे सी। अंत विच बखतावर अपने पिता लई गोई तैयार करके लैके आउंदा है ते उसकी इच्छा गोई खाण दी पूरी करता है। ठीक है बेटा, हुण इस तों बाद असीं नैक्सट पेज नंबर जो साडा 8 है 18 पेज नंबर 18 की असी रीडिंग करनी है। पर सब तो पहला असी इसे वर्ड मीनिंग डिस्कस करांगे बेटा। अजीब, अनोखा, अद्भुत, इतफाक, संजोग। नेक्स्ट वर्ड देखो उदासी, गमी। कुल दी जड़ हरी है, वंश अगे वध्या रहे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बेटा अंग पसार के आराम नाल। शमियाने तंबू, कनाता, टेंट भी जिन्होंने असं कह दें। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बेटा टिक गई, रुक गई। नेक्स्ट है चल दे, बर्दाश्त कर दे। हुण इस तो बाद असी पेज नंबर 18 की रीडिंग करांगे। अजीब इतफाक है, अज मेरी बेबे की बरसी है ते अज ही मेरे पुत जंग बहादुर सिंह उर्फ जंगी का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। ये मेरी नहीं, मेरी पत्नी बलविंदर उर्फ मिसिज कैप्टन भुल्लर की मर्जी है ते मेरे बापू की भी। बेबे की बरसी वाली बापू की उदासी इस खुशी च लुकी रहती है कि उहदी कुल की जड़ हरी है, नहीं तो हरिद्वार के पांड्या की वही च साडा खाता बंद हो जाता। हुण इत्थे जंगी का जन्मदिन घर विच मनाया जा रहा है, बेशक कि इसे दिन ही बेबे की बरसी है। ये मर्जी बलविंदर की भी है तो बापू की भी है, क्योंकि बापू ही अपने पोतरे का जन्मदिन होने खुश है।
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਮ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 100 ਮੀਲ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਅੰਗ ਪਸਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਿਮਲਾ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੰਗੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ 100 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜੰਗੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਕੌਣ ਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਰੌਣਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਰਨ ਮੇਰੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫੇਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਖਤਾਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਕਿਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਮਰੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 18 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 19 ਔਰ 20 ਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਪਲੈਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ